और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात 34 मिसाइलों से हमला कर दिया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 4 पावर प्लांटों को तबाह किया है। पुतिन का यह गुस्सा यूक्रेन की एक मिसाइल को लेकर के भड़का है जो उसे अमेरिका ने ही सप्लाई की थी। देखिए रिपोर्ट। चौतीस मिसाइल हमलों से यूक्रेन धुआं धुआं। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के 4 पावर प्लांट हुए तबाह। ये पुतिन का क्रोध है। यूक्रेन से आई बर्बादी की ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि पुतिन किस कदर गुस्से में हैं। इसीलिए पुतिन ने एक बार फिर अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। पुतिन की मिसाइलें गरज रही हैं। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा कर रख दिया है। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि एक ही रात में पुतिन ने 34 मिसाइलों का रुख यूक्रेन की ओर मोड़ दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेन को पहली बार में तो समझ में ही नहीं आया कि मुकाबला करें या इस हमले से बचें। जब तक यूक्रेन के फौजी कुछ फैसला ले पाते तब तक मिसाइलों ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की 21 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सिर्फ 13 मिसाइलें ही यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना पाए। हमले के बाद पावर सप्लाई से जुड़ी यूक्रेन की कंपनी DTEK ने कहा कि रूसी हमले में ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी नीप्रापेट्रोस इलाके में 2 पावर सप्लाई प्लांट प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लीव और इवानो फ्रैंकिस इलाकों में भी हमलों की खबर है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में मिसाइल हमलों में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटनास्थल की तस्वीरों में अस्पताल के पास एक बड़ा गड्ढा और गलियारों में शरण लेते मरीज दिखाई दे रहे हैं। इलाके के गवर्नर ओले सिनुहुबो ने रूसी हमले की पुष्टि के साथ ही ये भी कहा कि हमले में 53 साल की एक महिला को चोट लगी है जिसका इलाज जारी है। І ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. Юкрейн का रूस पर जवाबी हमला। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एक साथ रूस के दक्षिणी कास्त्रोडार इलाके में 60 से अधिक ड्रोनों से हमला कर दिया। कास्त्रोडार इलाके के गवर्नर वेनी यामेन कोंद्र तयेव ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने एक तेल रिफाइनरी और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के हमले में स्लाव यांस्क तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रूस के कास्त्रोदार क्षेत्र में इलस्की और स्लाव यांस्क तेल रिफाइनरियों पर हमला किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन ने रात को कुश्चेवस्क सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को रूस की वायु रक्षा।